हाय गाइस, दिस इज निकिता। और एक प्रोमिनेंट कुकी लीडर विल्सन हांसिंग ने कहा कि मैतीज को एसटी स्टेटस कैसे मिलेगा जबकि वो ब्राह्मण्स हैं और यहाँ के ओरिजिनल ट्राइब्स भी नहीं है। वहीं पे मैतीज ग्रुप के लीडर प्रमोद सिंह ने भी कहा कि कुकीज असल में आउटसाइडर्स हैं और वो मणिपुर के टेनेंट्स हैं। When I call them Athenians, they behave like Athenian, not as Indian citizen or Manipur citizen. But you would already know कि कुकीज के साथ साथ नागा ट्राइब्स भी मैतीज के रिजर्वेशन को अपोज कर रही है। अब देखो ये पूरा प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, एंड इन प्रोटेस्ट में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है। आई एम श्योर आपने बहुत सारे वीडियोज में देखा रहेगा, बहुत सारी चीजें अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेंड कर रही है। एंड इसीलिए मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज सिर्फ करंट सिचुएशन को एक्सप्लेन करना नहीं है, क्योंकि ए वो आपको ऑलरेडी पता है, एंड बी मेरा ये मानना है कि कौन सही कौन गलत अगर वो छोड़ दे और हमें ट्रूली इशू को फिक्स करने के पीछे जाना है तो हमें इस पूरे इशू की हिस्ट्री को स्टडी करना पड़ेगा, मणिपुर की हिस्ट्री को स्टडी करना पड़ेगा। बिकॉज एट द एंड टू फाइंड द आंसर्स फॉर प्रेजेंट वी हैव टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। एंड इसीलिए हम आज के वीडियो में जानेंगे कि मणिपुर में जो लोग रहते हैं वो कौन है, उनका ओरिजिन क्या है, उनके ओरिजिन और इंडियन रीजन में आने तक का पूरा बैकग्राउंड क्या है। बेसिकली पूरा का पूरा मणिपुर की हिस्ट्री को स्टडी करेंगे जिससे आप इस प्रेजेंट सिचुएशन को और अच्छे से समझ पाओ। तो देखो हिस्टोरिकली मैतीज का ओरिजिन साउथ ईस्टर्न टिबेट और इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से है, जो करीब 33 एडी में प्रेजेंट इन मणिपुर के वैली में आके ये लोग बसे थे। वहीं पे नागास जो ओरिजिनली चाइनीज एथनिक ट्राइब कियांग से बिलोंग करते हैं वो भी टिबेट से माइग्रेट होकर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में नागालिम यानी कि प्रेजेंट डे नागालैंड में आकर सेटल हुए, इसीलिए तब से उनको नागास बुलाया जाने लगा। इन दोनों से विपरीत कुकीज एक इजरायली ज्यूज ट्राइब है जो काफी दूर से ट्रैवल करके आए थे। उनकी जर्नी 722 BC में ऐसे रीजन यानी कि आज के ईरान सीरिया और टर्की से शुरू हुई, वहाँ से वो ईरान फिर अफगानिस्तान में जाकर सेटल हुए, लेकिन 457 BC में अलेक्जेंडर के हमले के बाद वो वहाँ से निकलकर सेंट्रल चाइना में सेटल हुए। पर यहाँ भी उनके लोकल ट्राइब्स के साथ क्लैशेस की वजह से उन्हें यहाँ से भी निकालकर बर्मा यानी कि प्रेजेंट डे म्यांमार के चिन रीजन में आके सेटल होना पड़ा। सो बेसिकली हिस्ट्री के इस पार्ट तक कुकीज ने मणिपुर में कदम नहीं रखा था, वो मेजरली मैतीज और नागास द्वारा ही डोमिनेटेड था। दरअसल प्रेजेंट डे मणिपुर उन दिनों किंगडम ऑफ कांगलेपा कहलाता था, जिनका अपना खुद का एक हिंदुइज्म से मिलता जुलता लोकल पॉलिथिस्टिक रिलीजन था सनामहिज्म। ये रिलीजन हिंदुइज्म से मिलता जुलता था बट हिंदुइज्म नहीं था। अब क्योंकि इस किंगडम का हर कुछ सालों में नॉर्थ इंडिया में मौजूद नागा ट्राइब से मतभेद होता रहता था, वो लोग अक्सर इन्हें रेड करते थे, सो किंग खगेम्बा ने इवेंचुअली अपने साउथ में मौजूद चिन रीजन से कुकीज को इन्वाइट किया और उन्हें अपने किंगडम के बॉर्डरिंग रीजन में सेटल कर दिया। यानी बेसिकली ऐसा कह सकते हैं उन्होंने कुकी सेटलमेंट्स को अपने और नागास के बीच एज अ बफर जोन बिल्ड किया, जो था द फर्स्ट मेजर कुकी माइग्रेशन इन मणिपुर। इसके बाद आया 18th सेंचुरी और इस वक्त तक नागास और मैतीज के बीच जो टकराव था वो कंपैरेटिवली कम हो चुका था। इनफैक्ट इस समय पर किंगडम ऑफ कांगलेपाक के जो राजा थे, इन राजा की माँ खुद एक नागा थी और इनके पिता थे एक मैती। अब ये राजा पम्हेबा बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इनके राज में किंगडम ऑफ कांगलेपाक अपने पीक पर पहुंच गया था और देखते ही देखते उसमें नदन म्यांमार का कुछ रीजन भी अपने अंदर ले लिया था। एंड इस दौरान कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें भी हुई। सबसे पहली चीज तो ये हुई कि किंग पम्हेबा ने अपने और अपने प्रजा को हिंदुइज्म में कन्वर्ट करवाया, जिसके बाद उनका नाम हो गया राजा गोपाल सिंह, ऑल्सो वेरी सरप्राइजिंगली नोन बाय अ फारसी नेम गरीब नवाज यानी कि गरीबों का मसीहा। सेकेंडली इट वॉज दिस किंग जिसने किंगडम ऑफ कांगलेपाक का नाम ऑफिशियली एक संस्कृत नाम मणिपुर में चेंज कर दिया। एंड थर्डली इन्होंने अपनी बेटी की शादी प्रेजेंट इन नॉर्दर्न म्यांमार में मौजूद एवा किंगडम के राजा किंग मंगद्रा से करवाई थी, इसीलिए एवा पर अटैक करने वाले साउथ बर्मीज फोर्सेस को सबक सिखाने के लिए इन्होंने ऑलमोस्ट पूरे म्यांमार को ही अपने कब्जे में ले लिया था। नाउ इससे आप समझ ही सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट दौर था, क्योंकि इसके दौरान म्यांमार का चिन प्रोविंस भी उनके कब्जे में आ गया था, एंड सो और ज्यादा कुकीज मणिपुर में मिक्सअप होने लग गए थे। ये था हिस्ट्री का सेकेंड मेजर कुकी माइग्रेशन इन मणिपुर। इसके बाद फिर आई 19th सेंचुरी और तीसरा मेजर कुकी माइग्रेशन करवाया ब्रिटिशर्स ने ताकि नागास को काबू में रख पा सके। एक्चुअली 19th सेंचुरी आते आते मणिपुर किंगडम अब बेहद ज्यादा कमजोर और छोटा हो गया था और उसके जैसे बाकी छोटे किंगडम जैसे कि जयंतिया अब नॉर्थ ईस्ट के दूसरे सबसे बड़े पावर यानी कि असम किंगडम के प्रोटेक्शन पे जिंदा थे। ये असम किंगडम 13th सेंचुरी से लेकर ब्रिटिश टाइम्स तक
अहोम डायनेस्टी रूल किया करती थी, जिन्होंने अपने किंगडम में किंग के अलावा 5 मिनिस्ट्रियल पोजीशंस रखे थे। इनका एक्चुअली पूरा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था काफी इंटरेस्टिंग था। 5 मिनिस्टर्स में से पहले 3 बोरगोहेन, बोरपात्रा गोहेन और बुरहा गोहेन, इन पोजीशंस में बैठे हुए इंडिविजुअल्स रिस्पेक्टिवली ईस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न असम के पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करते थे। और बोरबारुआ और बोरफुकान, ये 2 पोजीशंस में बैठे हुए इंडिविजुअल्स रिस्पेक्टिवली ईस्टर्न और वेस्टर्न असम के मिलिट्री एंड जुडिशियल हेड्स या सिंपली आर्मी चीफ के तौर पर काम किया करते थे। अब क्योंकि ये 5 भी मिनिस्टर्स डायरेक्टली स्वर्गदेव या फिर किंग को रिपोर्ट करते थे, इनको कलेक्टिवली पत्र मंत्री कहा जाता था। इन्हीं में से कोई एक फिर आगे जाके आपसी वोटिंग से राजमंत्री या फिर प्राइम मिनिस्टर चुना जाता था। बट देन 1817 में उस वक्त के जो वेस्टर्न साइड के आर्मी चीफ थे बदन चंद्र बोरफुकान, इनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। इन्होंने अपने साइड के पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर, जो बाय द वे उन दिनों पीएम भी चुने गए थे, उन जैसे एक बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटी को मारने की साजिश रची। उन्होंने बेसिकली असम किंगडम के वेस्टर्न साइड पर मौजूद दुश्मन यानी कि बर्मीज फोर्सेस को अपने अहोम एम्पायर पर अटैक करने के लिए इनवाइट किया, जिसके बाद बर्मीज फोर्सेस ने ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम ऑलमोस्ट पूरे असम किंगडम पर ही कब्जा कर लिया। आर्मी चीफ बदन चंद्र बोरफुकान का मानना था कि वो जो पीएम थे जिनको मारने की वो साजिश रच रहे थे, पुरानंदा बुरहा गोहेन, उन्होंने किंग को इम्प्रेस करने के लिए रिबेल्स पर क्रैक डाउन किया है और उससे उन्होंने पीएम की पोजीशन हासिल की है। एंड अब वो अपनी ये पावर को खुद के हाथों में कॉन्सेंट्रेट करने के लिए सभी इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रियल पोजीशंस पर अपने ही रिश्तेदारों को अपॉइंट कर रहे हैं। खैर, रीजन जो भी हो, क्योंकि इस पूरे गेम में अहोम का अपना खुद का एक अंदर का इंसान इन्वॉल्व था। अब तक जिन बर्मीज फोर्सेस को बड़ी मुश्किल से अहोम्स ने अपनी सीमा के बाहर रखा था, उनके पास अब एक अपर हैंड आ गया था। एंड देयरफॉर बर्मीज फोर्सेस बीच में पड़ने वाले मणिपुर जैसे छोटे किंगडम्स को भी, जिन पर अहोम किंगडम का इन्फ्लुएंस जरूर था लेकिन वो कन्वेंशनली अहोम किंगडम में फॉल नहीं करते थे, बॉर्डर पे थे, उस मणिपुर जैसे इलाकों में भी ये बर्मीज इन्वेडर्स इन्वेड कर दिए। उन्होंने फिर ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम असम और मणिपुर को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया और साइमल्टेनियसली पूरे नॉर्थ ईस्ट पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी। नाउ व्हाट वी हैव टू रियलाइज कि ये पूरा सिचुएशन जो नॉर्थ ईस्ट में चल रहा था, ये बंगाल प्रोविंस में रूल कर रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि अब तक एक्चुअली असम और उसके आसपास के मणिपुर जैसे छोटे मोटे किंगडम्स टेक्निकली दोनों इन्वेजिव फोर्सेस यानी कि ब्रिटिश और बर्मीज के बीच एक बफर जोन के तौर पर मजबूत खड़े थे। लेकिन असम के कब्जे के बाद अब बर्मीज फोर्सेस का इन्फ्लुएंस एकदम ब्रिटिशर्स के दरवाजे तक पहुंच गया था। ऐसे में आया साल 1824 का इम्पोर्टेंट दौर, क्योंकि इस दौर में मणिपुर के उस वक्त के राजा गंभीर सिंह ने बढ़ते बर्मीज इन्वेशंस के खिलाफ लड़ने के लिए अनफॉर्चुनेटली उनको ब्रिटिशर्स की मदद मांगनी ही पड़ी। अब देखो, ब्रिटिशर्स भी चाहते थे कि बर्मीज इन्वेशन, जो उनके लिए भी एक थ्रेट है, वो कॉम्बैट हो जाए। सो उन्होंने भी तुरंत उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और शुरू हो गया हिस्ट्री का पहला एंग्लो बर्मीज वॉर, जिसमें राजा गंभीर सिंह ने भी अपना मणिपुर लेवी नाम का 500 लोगों का ट्रूप भेजा था, जिसमें मेजॉरिटी मैतीज थी। अब इस वॉर में वैसे तो ब्रिटिश फोर्सेस और मणिपुर लेवी के मैतीज साइड बाय साइड लड़े थे और उन्होंने मिलकर बर्मीज फोर्सेस को असम, मणिपुर, छछर और जयंतिया इन सभी इलाकों से खाली भी करवाया था। सो टेक्निकली इस जंग के बाद मणिपुर में बहुत सालों के बाद एक शांति का माहौल होना चाहिए था, लेकिन पीस के बजाय नॉर्थ ईस्ट और स्पेशली मणिपुर जैसे म्यांमार बॉर्डरिंग रीजन्स में इंस्टेड एक नया दौर शुरू हो गया, वायलेंट कम्युनिटी क्लैशेस का दौर। क्योंकि मणिपुर के राजा गंभीर सिंह ने जब ब्रिटिश से मदद मांगी थी, तब ब्रिटिशर्स ने उनके सामने 2 शर्तें रखी थी। पहली ये कि वॉर के बाद मणिपुर एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन जाएगा, जिसपे कहने को तो वहां के राजा मणिपुर की पॉलिटिकल पावर्स अपने हाथ में रख सकते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ब्रिटिशर्स के पास चले जाएंगे। एंड दूसरी, ब्रिटिशर्स का ये जो न्यूली गेन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है, उन्हें एक्साइज करने के लिए मणिपुर में ब्रिटिश की तरफ से एक पॉलिटिकल एजेंट मैकलॉक को अपॉइंट किया जाएगा। यानी बेसिकली ब्रिटिशर्स चाहते थे कि राजा गंभीर सिंह उनका एक पपेट बन जाए और नॉर्थ ईस्ट के आखिरी छोर तक सारा का सारा कंट्रोल उनके हाथ में आ जाए। हुआ भी एग्जैक्टली ऐसे ही। नोइंग दैट ब्रिटिशर्स ने गंभीर सिंह की मदद की और एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ, सो इसी से आप समझ सकते हो कि मणिपुर टेक्निकली अब एक ब्रिटिश रूल्ड स्टेट बन चुका था। आई नो अभी आप पूछोगे कि मणिपुर जैसे
छोटे कंपैरेटिवली छोटे किंगडम से ब्रिटिशर्स जैसे एक माइटी किंगडम को क्या फायदा हो सकता है। तो देखो, मणिपुर को कंसोलिडेट करने के बाद वो पूरा रीजन ब्रिटिशर्स के लिए कई टर्म्स में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता था, मेनली बिकॉज ऑफ थ्री वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस। नंबर वन, सिक्योरिटी। एंग्लो बर्मीज वॉर खत्म होने के बाद ब्रिटिशर्स को रियलाइज हुआ कि नॉर्थ ईस्ट बर्मीज इन्वेडर्स के लिए ब्रिटिश इंडियन एम्पायर में पेनिट्रेट करने का एक बहुत ही ईजी रास्ता है। ऑल्सो क्योंकि इस पूरे वॉर के दौरान मणिपुर के नागास जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स और मेजरली नागालैंड के सदर्न बॉर्डर्स पर स्थित थे, तो वो मणिपुर के डेवलपमेंट से उतने अफेक्टेड और रिलेटेड भी नहीं थे। इसीलिए इस दौरान नागास का भी ब्रिटिश सपोर्टेड मैतीस पर रेड करना काफी ज्यादा कॉमन हो चुका था। इसीलिए उन्होंने मणिपुर को अपना एक बफर स्टेट बना दिया और त्रिपुरा, मिजोरम, चिन इन सभी रीजन से कुकीज को लेकर उनको और ज्यादा तादाद में मणिपुर और असम के बॉर्डरिंग रीजन्स में बसाना शुरू कर दिया। इसी आइडिया ने आगे चलकर उनको नेताजी बोस जी की इंडियन नेशनल आर्मी INA के हमले से भी बचाया था। फायदा नंबर टू, इकोनॉमिक बेनिफिट। साल 1839 में फर्स्ट एंग्लो चाइना ओपियम वॉर के बाद ब्रिटिशर्स का टी सप्लाई, जो उनका एक काफी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, जो चाइना से आता था, वो कम्प्लीटली बंद हो चुका था। सो मणिपुर में टी प्लांटेशंस ग्रो करके पहले तो उनका टी सप्लाई वापस से शुरू हो गया था, और साथ ही ईस्ट इम्फाल में मिले जिरीबम जैसे ऑयल वेल से उनको ऑयल सप्लाईज भी मिलने लगे थे। नंबर थ्री, पॉलिटिकल बेनिफिट्स। 1856 रिवोल्ट में मेनलैंड इंडिया के लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो विद्रोह, जो रिबेल किया था, उसकी आग नॉर्थ ईस्ट तक ना फैले, इसीलिए एज अ प्रिवेंटिव मेजर ब्रिटिशर्स ने 1873 में एक बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन BERF नाम का एक एक्ट लाया था, जिसके तहत ब्रिटिशर्स ने बेसिकली मेनलैंड इंडिया के लोगों को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ट्रैवल करने से बैन किया था। नाउ ये ब्रिटिशर्स के लिए एक काफी स्मार्ट मूव था, क्योंकि उन दिनों उन्होंने इसका रीजन दिया था कि वो वहां के लोकल ट्राइब्स की आइडेंटिटी और कल्चर को बचाना चाहते हैं, इसीलिए ये एक्ट को पास कर रहे हैं। बट गेस व्हाट, लगभग इसी दौरान साल 1894 में उन्होंने अपने क्रिश्चियन मिशनरीज को वहां पर जरूर अलाउ किया। मणिपुर के हिली एरियाज में रहने वाले कुकीज और नागास को मैसिव मेडिकल एड और एजुकेशन प्रोवाइड करने के बहाने से क्रिश्चियनिटी में मास स्केल में उनका कन्वर्जन करवाया गया। ये मूव इतना बड़ा गेम चेंजर था कि आप फर्स्ट पोस्ट के इस आर्टिकल में देख सकते हो। 1901 के सेंसस को कोट करते हुए बताया गया है कि मिशनरीज के मणिपुर में कदम रखने के महज 6-7 सालों में ही वहाँ क्रिश्चियंस की तादाद टोटल पॉपुलेशन का 8% हो गई थी, जिसके बाद फिर 1951 में इट रीच्ड 11.84% और फिर कट टू 1991 सेंसस में यही परसेंटेज बढ़ के 34.11% तक पहुंच गया था। इस ड्रास्टिक ग्रोथ के बेसिस पे एस्टिमेट्स है कि 2021 में सेंसस अगर हुआ होता, जो नहीं हुआ, तो मणिपुर में क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन 45% से ज्यादा आती। खैर, व्हाटएवर मे बी द केस, उस समय ब्रिटिशर्स ने इस एक मूव से वहां का पूरा डेमोग्राफी चेंज कर लिया और हिल ट्राइबल्स के नजरों में अपनी एक अच्छी इमेज भी बना ली थी। बट जो बाकी लोगों को नहीं दिख रहा था वो ये था कि ब्रिटिशर्स ने साइमल्टेनियसली हिली एरियाज में, जहां बाय द वे मेनलैंड इंडिया के ट्रेडर्स नहीं आ सकते थे, वहां ब्रिटिशर्स ने टिम्बर और अन्य फॉरेस्ट प्रोड्यूस को हेवीली एक्सप्लॉइट किया अपनी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को ग्रो करने के लिए। यानी ऑल इन ऑल ब्रिटिशर्स ने मणिपुर का पूरी तरह से फायदा भी उठाया और जाते जाते वो मेनलैंड इंडिया की तरह ही मणिपुर में भी इंटरनल बहुत सारे फॉल्ट लाइंस क्रिएट करके चले गए। क्योंकि देखो, आज तक ये पूरा जो झगड़ा चल रहा है वो असल में इन तीनों भी ट्राइब्स की आइडेंटिटी को लेकर चल रहा है। एक्चुअली आज मणिपुर की डेमोग्राफी कुछ ऐसी है कि वो बिल्कुल एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह डेमोग्राफिकली कम्प्लीटली डिवाइडेड है। बीच वाला एरिया जो पूरी मणिपुर का सिर्फ 10% है, वो इम्फाल वैली रीजन है। वहाँ मॉडर्नाइज हो चुके मैथी ट्राइब्स रहते हैं, जो मणिपुर के 64% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड मेजरली हिंदूज भी है। लेकिन इन ट्राइब्स में क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स भी हैं, और इनके विपरीत जो सराउंडिंग 90% हिली फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं, वहाँ मेजरली नागा और कुकी ट्राइब्स रहते हैं, जो मेजरली क्रिश्चियंस एंड टू सम एक्सटेंट मुस्लिम्स भी हैं। ब्रिटिश एरा में ब्रिटिशर्स ने अपने 1873 BERF एक्ट के तहत पूरे मणिपुर को ही एक प्रोटेक्टेड एरिया कंसिडर किया था, ताकि मेनलैंडर्स को, जो मेनलैंड इंडिया में रहते हैं, वो वहां से दूर रख सके। सो टेक्निकली इस एक्ट के अंडर मैतीज हो, नागाज हो, कुकीज हो, ये तीनों भी प्रोटेक्टेड ट्राइब्स या सिंपली शेड्यूल ट्राइब में फॉल कर रहे थे। लेकिन फिर आजादी के बाद 1972 तक मणिपुर एक यूनियन टेरिटरी था, जिसे डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती थी। सो उस समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसने 1960 में मणिपुर के लिए एक मणिपुर लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, ये लॉ पास किया, जो बेसिकली मणिपुर में कौन लैंड ओन कर सकता है, एग्जैक्टली कहां ओन कर सकता है, कितनी ओन कर सकता है, अगर किसी लैंड ओनर ने अपनी लैंड किसी और को लीज पर दी है, तो डिफॉल्ट करने पर वो उस टेनेंट को लैंड से कब और कैसे एविक्ट किया जा सकता है, इन सभी इश्यूज से डील करता था। अब इस लॉ के जरिए अब तक जो मणिपुर पूरी तरह से प्रोटेक्टेड था, उस
उसमें एक्सेप्शन आ गया कि मैथी डोमिनेटेड इम्फाल वैली अब प्रोटेक्टेड नहीं रहा एंड उसमें कोई भी इंडियन लैंड खरीद सकता था इंक्लूडिंग कुकीज एंड नागास। क्योंकि इस एक्ट का अगर आप सेक्शन 1 क्लॉज 2 पढ़ो तो इट एक्सप्लिसिटली मेंशंस कि सभी लैंड ओन करने से जुड़े रिफॉर्म्स मणिपुर के प्रोटेक्टेड हिल एरियाज पर एप्लीकेबल नहीं है। यानी मैथीज या कोई भी इंडियन मणिपुर के प्रोटेक्टेड हिली फॉरेस्ट एरियाज में लैंड नहीं ओन कर सकता है, क्योंकि पहले पूरा मणिपुर प्रोटेक्टेड था लेकिन ये लॉ के आने से सिर्फ 10% वैली एरिया सॉर्ट ऑफ अनप्रोटेक्टेड हो गया, अगर मैं एकदम कॉमन लेमैन टर्म्स में बात करूं तो। पर अब एक सवाल है कि फिर मणिपुर के हिली फॉरेस्ट में कुकीज और नागास कैसे बसने लग गए। सो ये राइट उनको मिलता है खास शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बनाए गए रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 इस एक्ट से। इस एक्ट का सेक्शन 4 क्लॉज 5 कहता है कि एसटी और अन्य फॉरेस्ट जो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड्स में रह रहे हैं उन्हें वहां से निकाला नहीं जा सकता अगर उनकी कम्युनिटी एसटी लिस्ट में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, यानी कि वो शेड्यूल ट्राइब है। सो ऑल इन ऑल इन तीनों लॉज का कंबाइंड इंटरप्रिटेशन ये बनता है कि मणिपुर की जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन है यानी कि मैथीज, वो सिर्फ इम्फाल वैली में ही लैंड ओन कर सकते हैं, जो बाय द वे पूरे मणिपुर का सिर्फ 10% पार्ट है। बट ऑन द अदर हैंड नागास और कुकीज, क्योंकि उनके पास एसटी स्टेटस है, वो सराउंडिंग 90% हिली फॉरेस्ट में कहीं भी रह सकते हैं एंड एट द सेम टाइम वो मैथीज डोमिनेटेड इम्फाल वैली में भी जगह खरीद सकते हैं। एंड यही वजह है जिससे ये पूरा डिबेट, पूरा मणिपुर का इश्यू स्टेम हो रहा है कि मैथीज भी अब एसटी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस की डिमांड रख रहे हैं। अब इस पर कुकीज के पास से एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये निकलता है कि मणिपुर स्टेट असेंबली के 60 में से 40 सीट्स वैली को रिप्रेजेंट करते हैं जो मैथीज डोमिनेटेड है। सो ऑलरेडी जब वो इतना पॉलिटिकली हाईली बैक्ड है, एसटी स्टेटस मिलने के बाद उनका पूरा मणिपुर पे ही पॉलिटिकल कंट्रोल और ज्यादा बढ़ जाएगा। बिसाइड्स जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कुकी लीडर का कहना है कि मैथीज अब ट्राइबल्स नहीं रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना ओरिजिनल मैथी रिलीजन और कल्चर को छोड़कर हिंदुइज्म अपनाया है, और ये सेम ओपिनियन नागास का भी है कि इसीलिए फिर उनको ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स नहीं माना जा सकता है। बट देन ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये दोनों ट्राइब्स ने भी क्रिश्चियनिटी को अपनाया है, तो यही सेम लॉजिक यहां पर भी अप्लाई होता है। बट डोंट वरी, इस पूरे डिबेट में अगर हम रिलीजन को हटा भी दे तो भी मणिपुर क्राइसिस का रूट कॉज एक्चुअली कुछ और ही है। मणिपुर का ये पूरा इशू क्यों हो रहा है, इसमें किसकी गलती है, होस्ट टू बी ब्लेम्ड, ये आप तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक आप टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स को अच्छे से थोरोली ना स्टडी कर लो, क्योंकि तभी आपको मालूम पड़ेगा इस पूरे इशू में मीडिया, मणिपुर का स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वहां का पुलिस, इनका क्या रोल है इस पूरे इशू में, एंड कैसे ये पूरे मणिपुर के क्राइसिस में मणिपुर का ड्रग कल्टीवेशन का इशू, वहां पे चेंज इन डेमोग्राफी, एंड थर्डली मणिपुर में राइज इन इंसर्जेंसीज बिकॉज ऑफ इलीगल इमिग्रेशन, ये कैसे रोल प्ले करता है इस पूरे मणिपुर के क्राइसिस पे। इस टॉपिक पर हम एक डिटेल वीडियो बना के जल्दी लाने वाले हैं, बस 2-3 दिन में वो वीडियो लाइव हो जाएगा एंड जब वो होगा तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको देख सकते हो। लेकिन तब तक के लिए क्या आपको मालूम है कि इलीगल इमिग्रेशन का इशू उत्तराखंड में भी हो रहा है। हाल ही में उत्तराखंड में भी बहुत मेजर प्रोटेस्ट हुए थे और ऐसा न्यूज आ रहा था कि वहां से मुस्लिम कम्युनिटी को उनका एक्सोडस करवाया जा रहा है। ये इशू एग्जैक्टली क्या है, ये प्रोटेस्ट क्यों हुए थे, एंड इस पूरे इशू पे हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, तब तक के लिए आप उस वीडियो को यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। एंड अगर आपको मणिपुर क्राइसिस पे एक सेकंड वीडियो चाहिए जिसमें हम इस पूरे मणिपुर इशू के टाइमलाइन को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये इशू का एग्जैक्ट रूट कॉज क्या है, तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कर लीजिए, उससे हमें समझ में आएगा कि आपको एग्जैक्टली उस वीडियो में कौन से क्वेश्चन आंसर्ड चाहिए। मिलते हैं अगले टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।